हेलो स्टूडेंट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। अब फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप बच्चों वो ग्रुप होते हैं जो कि पेरेंट हाइड्रोकार्बन में से अल्केन, अल्कीन या अल्काइन में से किसी में से भी, अल्केन में से हम बात करेंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह आकर के वो लग जाते हैं और उसकी वजह से पूरे के पूरे हाइड्रोकार्बन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। फंक्शनल ग्रुप इन्हें नाम ही इसलिए कहा गया है कि जिस भी हाइड्रोकार्बन की चेन में ये जुड़ेंगे उसका पूरा का पूरा फंक्शन ये कंट्रोल करेंगे। अब इन फंक्शनल ग्रुप के मेजर फंक्शनल ग्रुप्स को हम पढ़ लेते हैं जो 10th के सिलेबस में है, उनके बारे में जानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कौन से ग्रुप हैं और किस तरह से वो नाम दिया जाता है उनको। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हो जाता है जिसे हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप बच्चों कौन सा होता है? 17th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ये सारे के सारे, क्लोरो फ्लोरो तो हम इसको प्रीफिक्स लगाते हैं किसमें, पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में। अगर कहीं पे भी है तो, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, इस तरह से हम उनको प्रीफिक्स लगाते हैं। हैलोजन अगर कहीं जुड़ा है, फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है, CH3Cl, एक हाइड्रोजन हटके कौन सा ग्रुप आ गया है, Cl। क्लोरीन को हम लोग Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लोरीन का प्रीफिक्स हम कैसे लगाएंगे इसको नेम देने में, प्रीफिक्स पहले लगाते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन से। तो पहले हम क्या कहेंगे, क्लोरो। अब हम देखेंगे इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, एक है तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मिथ, तो क्या हो गया, क्लोरो मिथेन। अगर दो कार्बन होते तो क्लोरो इथेन, वेरी गुड। तो पहला फंक्शनल ग्रुप हमने कौन सा देखा, हेलोजन, जो कि 17th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं और एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करके जब ये अटैच होते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन से तो उसकी प्रॉपर्टीज को, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से बदल देते हैं। और उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन गवर्न करता है, हैलोजन। क्लोरीन है तो हम उसका प्रीफिक्स लगाएंगे क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, एंड सो ऑन। दूसरा ग्रुप आ जाता है हमारा एल्कोहल, OH ग्रुप। जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोकार्बन को रिमूव करके OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH, OH is represented, alcohol is represented by OH group, और इसका suffix क्या हो जाएगा, O, देखना, याद रखना, suffix, इसमें क्या था, prefix, suffix, जब suffix लगेगा तो parent hydrocarbon में से last में E हट जाएगा और उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, all, देखते हैं इसको, जैसे क्या हो गया, mit, it, तो root क्या हो गया, it, होना था क्या, इथेन, लेकिन एक हाइड्रोजन हटके क्या लग गया है, ओ एच, तो हमने क्या नाम दिया, इथेन ओल। देखो ई हट गया इसमें से और ओल जुड़ गया, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, सो जब एक ओ एच जुड़ जाएगा इस तरह से हम उसको नाम देते हैं। एक से ज्यादा भी जुड़ सकते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तीसरा ग्रुप हो जाता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CHO, ध्यान देना बच्चों, इसका सफिक्स होता है अल, A-L-L, ये कैसे होगा, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, अल जुड़ जाएगा लास्ट में, उसमें ओल जुड़ा था और ये क्या है, वो OH था, ये क्या है, CHO, CHO को देखो, मेन आपने जो ध्यान देने हैं वो यहां पर ध्यान देना है, ये क्या है, कार्बन एटम है जिससे सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और उसी कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, अल इसको नाम दिया जाता है। ये किसका एग्जांपल है, मिथ, इथ, प्रोप, यानी कि रूट वर्ड हो गया प्रोप और कौन सा जुड़ा हुआ है, सी के एक साथ, एक सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो क्या नाम दिया जाएगा इसको, अल, मिथ, इथ, प्रोप, प्रोपेनल, यस, वेरी गुड। अगला ग्रुप आ जाता है बच्चों कीटोन। कीटोन में इसमें भी सफिक्स लगता है और ये वन नहीं है बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं ओन। कीटोन ग्रुप में डबल बॉन्ड ओ है, यानी कि कार्बन के साथ
डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और उसका सफिक्स लग जाएगा ओन। जैसे इसके बारे में बात करेंगे हम, प्रोपेन ओन, पेंटेन ओन, हेप्टेन ओन। देखते हैं यहां पे, इसको देखो, ये वाला जो ग्रुप है ये कीटोन ग्रुप है। इस पे ध्यान देना है आपने, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, इसके साथ भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच नहीं है, इसके साथ सिर्फ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है और दोनों तरफ से ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका सफिक्स क्या है, ओन। मिथ इट प्रॉप, प्रोपेन ऑन, प्रोपेनॉन, वेरी गुड। अगला ग्रुप हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या ग्रुप होता है, COOH। बहुत ध्यान से देना, देखना बच्चों, इसमें जो है आप लोगों को डिफरेंशिएट करना है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को। देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंट होता है COOH से, और इसमें जो सफिक्स लगता है पेरेंट रूट पे, रूट वर्ड पे, ओइक एसिड, जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से हम करेंगे इसको। क्या हुआ देखो, अब हम फिर से ध्यान देंगे यहां पे, ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कीटोन में भी था लेकिन सिर्फ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था। एल्डिहाइड में और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, कार्बन के साथ एल्डिहाइड में सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन था और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन था, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से OH। आप इसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, देखिए OH में यहां पे कार्बन के साथ सिर्फ एक बॉन्ड से OH जुड़ा था, दूसरी जगह हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, यहां पे क्या है एक साइड OH जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप हो गया, COOH। ठीक है, हम इसमें सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, काउंट करें 1 2 3, रूट वर्ड क्या हुआ, प्रॉप, प्रोपेनोइक एसिड। समझ आया बच्चों, ये थे फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप में एक हैलोजन्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और दो और कौन से, इन और आइन, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इन अल्कीन हो जाएगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन हो जाएगा। आई होप कि आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चल गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, आपको हायर क्लासेस में बहुत काम आएंगे। इस साल आप लोगों को इनके प्रीफिक्स सफिक्स नेमिंग किस तरह से होती है वो ध्यान देना है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है ये ध्यान देना है, और इस मॉड्यूल के बाद फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के बाद, आप देखो हमने पिछले मॉड्यूल में क्या किया था, पिछले मॉड्यूल में हमने रूट वर्ड पहचाना था और हमने अल्काइल ग्रुप के बारे में बात की थी, इस वाले में हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की है। अब इन तीनों को जोड़ करके नोमेनक्लेचर्स के रूल्स को फॉलो करते हुए हम हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। अगले मॉड्यूल में हम हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।